हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे जो भूगोल में यानी कि आपका यूजीसी नेट में जितने भी मैथमेटिकल टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूनिट नंबर 9 से हों, चाहे वो आपके परिवहन जाल से हों, या फिर आपके निकटतम पड़ोसी सूचकांक से हों, या किसी अन्य सिद्धांत पे आधारित जो प्रश्न हैं, उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यानी कि जो कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे प्रश्न हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देख लिया था, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया गया है ये समाश्रयण समीकरण से रिलेटेड है, रिग्रेशन इक्वेशन से है। इसमें आपका कई प्रश्न इससे कराए भी गए हैं, तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिया है, इसमें x और y की श्रृंखला में 23 और 94.5 और ढाल प्रवणता 1.5 दिया गया है। तो एक्स वाई श्रृंखला के वितरण में काट ए का मूल्य कितना होगा? ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इस पूरे कोर्स को लेना चाहते हैं जो आपका यूजीसी नेट का चल रहा है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ये बात किए कि यही में मान आप पुटअप कर दीजिए, तो वाई की जगह क्या रखना है, वाई की जगह आपको यहाँ पर 94.5 रखना है। इज इक्वल टू कितना हुआ, ए आपका निकालना है, तो ए प्लस बी कितना है 1.5 है, ए कितना है 23 है। यहाँ से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 94.5, इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए। ठीक, ये भी, तो उसके बाद आपका यहाँ पे 94 माइनस ये आपका हो जाएगा, या इसको इधर लेके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1.5 इंटू 23 बराबर ये आपका आ जाएगा 94.5 माइनस ये जो होता है इसको आप ये आपका आ जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे 34.5, तो इसमें से घटा देंगे ये आ जाएगा 60। तो ए का मान कितना हमें प्राप्त हुआ, 60। ए इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है 6 बिंदु दिए गए हैं, कितने प्रतिच्छेदक संपर्क हैं, यानी कि कौन सा संपर्क जो है प्रतिच्छेद एक दूसरे को कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक तो ये वाला प्रतिच्छेदक यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर ये वाला हो गया, एक हो गया, दो हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए जितनी रेखाएँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, या जितने आपके एजेज हों, ठीक, जितने एजेज हैं वही आपके यहाँ पे प्रतिच्छेदक संपर्क मार्ग हो जाएंगे। तो एजेज आप जोड़िए, यहाँ पे कितने हैं, एक आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये 12। तो ये एजेज क्या होते हैं, यानी कि जो एज होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, यानी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यही जो आपके एजेज हैं यही इनके प्रतिच्छेदक संपर्क भी हैं। ठीक, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। चलिए, कहीं किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या दिखे, आपको ये लगे ना समझ में आया हो, आप उस प्रश्न को कमेंट में बता भी सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें आपको डिटेल करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए, कहीं भी आपको कोई कमी लगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है कि भूल बस हमसे भी कोई त्रुटि हो जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप में भी सुधार होगा, मेरे में भी। चलिए आगे हम लोग बात करें कि हमारे पास दिया गया है कि जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण दिखाया गया है, और ये जो है वर्षा एक तरफ दिया गया है और दिनों की संख्या दूसरी तरफ आपका यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है कि मासिक वर्षा की बात करना है, तो मासिक वर्षा यानी कि आपका यहाँ से समांतर माध्य निकालनी है। चलिए निकालते हैं समांतर माध्य। तो यहाँ पे आपका है, इसको चाहे आप इस तरह से वर्टिकल श्रेणी में डाल सकते हैं, चाहे ऐसे ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो यहाँ से माध्य निकाला जाता है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ठीक, जूम करने के बाद यहाँ आपका ये
सरफेस पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। चलिए, हमारे पास जो अब लेवल था, एक आपका वर्षा था, दूसरा आपका दिनों की संख्या। हो सकता है यहाँ लिखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा गड़बड़, लेकिन आप जो दिया गया वही आप लिखते चलिए। यहाँ पर देखिए समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा। जब आपको वर्गंतराल रूप में दिया हो, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, ठीक। और माध्य इसका पहले निकाल लीजिए आप। आपको क्या निकालना है? माध्य। माध्य कैसे निकलेगा? और अंतराल को जोड़ के दो से भाग दे देंगे, 20 10 30 बटे दो होगा तो आपका आ जाएगा कितना, 15। यहाँ पे 50 बटे दो होगा तो कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे आपका 70 बटे दो तो आ जाएगा 35। कितना मिला, 15 25 35, ठीक। अब दिनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है, 20 है और 4 है। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य कितना, सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है, एक्स बार बराबर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अब आपके पास ये एक्स हो गया, ये एफ होता है, अब क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो ये 15 छक्का 90 हो जाएगा, ये आपका 25 दूनी 50 500 हो जाएगा, ये आपका 35 चौका 140, ये आपका 4 25 20 हो जाएगा, 4 3 12 2 14। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए यहाँ से पूरा जोड़ के, कितना आ जाएगा ये, 730। और इसको सिग्मा, ये आपका चाहे सिग्मा एफ कहिए चाहे एन कह लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, एन आपका 30। यहीं में मान रख दीजिए, यहाँ क्या है, 730 बटे कितना करना है, 30, एक जीरो से कट जाएगा, ठीक। बचेगा 73 बटे 3, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 13 हो जाएगा, 3 चौक 12 10 हो जाएगा, 3 तरीका 9, यानी 24.3333 आप ये करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि औसत मान निकालना है, ठीक, मासिक वर्षा की गणना कैसे, औसत मान निकाल के करनी है, तब आपको क्या करना है, आँख मूंद के क्या लगाना, औसत की बात आए तो समांतर माध्य। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया आपको कि सड़क का मॉडल दे रखा है, और उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, पहले आते थे ज़्यादा, अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 2020 वाले जून वाला पेपर जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर एक प्रश्न इससे रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलना है कि ये कैसे निकलता है, और बहुत ही आसान है ये, ठीक। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है कि जो यहाँ पे मॉडल दे रखा है, किसका किससे संबंध, एक तरफ आपका रो दिया है और इधर आपका ये कॉलम दे रखा है, यानी ये आपका पंक्तियाँ हैं, ये आपके कॉलम हैं जो सीधे सीधे हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बिना किसी स्टेशन होते हुए सीधा पहुँच जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एक कोड लिखते हैं। जहाँ अगर सीधे ना पहुँचा जा सके उसके लिए कोड क्या होता है, जीरो होता है। तो एक से देखिए कहाँ कहाँ पहुँचा जा सकता है, यानी कि आपके कितने नेटवर्क दे रखे हैं ये कनेक्टिविटी के लिए, तो टोटल 6, ये आपके 8 स्टेशन दिए हैं। तो सबसे पहले एक से शुरुआत करते हैं कि एक के कहाँ कहाँ ये पहुँच सकता है। तो एक आपका देखिए एक कहाँ कहाँ, 2 तक जाएगा, उसके बाद आपका 7 भी जाएगा, फिर आपका 8 में जाएगा, ठीक। एक जो है कहाँ कहाँ तक जाएगा, 2 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, 7 में जाएगा। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, यानी कि एक का 2 से संबंध है तो क्या लिखेंगे, एक। तो एक का 2 से संबंध है तो क्या हो जाएगा, एक। तो यहाँ पे आप देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी, चलिए एक का 8 से संबंध है तो ये एक हो जाएगा। किससे किससे नहीं है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक, और अपना खुद से, एक का खुद से। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। केवल 2 7 8 के लिए, ये आपका 2 के लिए,
सात के लिए आठ के लिए केवल एक आपका एक होगा और सबके लिए जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये वाला पहला रो सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका दो के लिए, तो दो के दो किसके किसके लिए वैलिड है यहाँ पे, यानी कि दो आपका तीन पे पहुँचा जा सकता है, सात पे है और एक पे है। तो क्या हो गया, एक तीन सात, इनके लिए ये एक हो जाएगा। बाकी आपका दो चार छः पाँच आठ, इनके लिए आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चार तीन के लिए, चार तीन सात के लिए एक, तो ये आपका देखिए ये एक है, सॉरी एक तीन सात के लिए आपका एक है, दो वाला यही तो करना है ना, जिसका जिससे संबंध है वही आप उसमें लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कर रहे हैं। देखिए दो का एक से है, तीन से है, सात से है, एक तीन सात और सब क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से तीन का निकालिए, चलिए इसका भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, ठीक। तीन का देखिए किससे किससे है, तीन का दो से है, तीन का चार से है, तीन का पाँच से है, तीन चार, तीन का दो से है, चार से है और पाँच से है, तीन के लिए एक हो जाएगा। तीन का आपका दो चार पाँच के लिए एक, बाकी के लिए जीरो, तो तीन भी आपका मिल रहा है। चार देखिए, चार जो है कहाँ कहाँ चार से पहुँचा जा सकता है, इसको भी कलर देखिए थोड़ा सा बदल दें, चार से आपका पाँच पे, सात पे, तीन पे, यानी तीन पाँच सात, तीन पाँच सात, इनके लिए क्या होगा, एक होगा जहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए तीन पाँच सात, तो ये आपका चौथा कॉलम भी है। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तीन के लिए दो चार पाँच, तो जो आपका है ये आप लिखते जाएंगे, जिसमें जिस भी सारणी में ये मिलेगा उसी वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चार तक हम पहुँचे, पाँच पे आ जाइए। पाँच आपका कहाँ कहाँ मैच करा ले रहा है, तो पाँच आपका छः को पहुँचा दे रहा है, चार को जा रहा है और तीन को जा रहा है, यानी तीन चार छः, तीन चार छः के लिए आपका एक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन चार छः, ये वाला पाँच एक है। इसी तरह से पाँच तक यहाँ पे मैच कर गया, ये आपका रंग है। छठा पे देखिए छः आपका कहाँ तक पहुँच जाता है, पाँच तक जाएगा, सात तक जाएगा, आठ तक, पाँच सात आठ, ठीक, इनके लिए एक हो जाएगा। छः आपका पाँच सात आठ, छः जो है यहाँ पर देखिए पाँच सात आठ, इनके लिए एक है और बाकी के लिए जीरो। उसके बाद आपका सात नंबर देखिए, सात किसके किसके पास पहुँच जाएगा, दो एक चार छः आठ, दो एक चार छः आठ, ठीक, इनके लिए आपका एक, बाकी के लिए जीरो। तो सात पे देखिए दो एक चार छः आठ, दो एक यानी एक दो चार छः, एक दो चार छः आठ, ठीक, बाकी के लिए जीरो। आठ नंबर देखिए, आठ नंबर किससे किससे मिल पाएगा, छः से, सात से और एक से, यानी एक छः सात, इनके लिए वन हो जाएगा, बाकी के लिए जीरो, एक छः सात आठ के लिए। समझ में आया बात, तो यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, पहला आपका सही होगा, और में आप मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक, और ऑप्शन जो आपको मिलेंगे, क्योंकि पहला मैंने ट्राई किया तो पहले पे ही मिल गया, तो पहला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चलिए यहाँ पे आपका दिया गया स्कूल के बारे में। चलिए यहाँ पे जो आपका ये दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आपका दिया गया है वृत्त, फिर ये आपका वर्ग दिया है, फिर आपका प्लस दिया है, और ये आपका स्टार की तरह बनाया है। तो ये आपका दे रखा है, देखिए स्कूल दिया है, अस्पताल है इसका मतलब, और वृत्त का मतलब रेलवे स्टेशन, इसका मतलब डाकघर, यानी कि इसमें आपको देखना है कि किसमें कौन सा क्या है। तो एक में आपका क्या है, जिसमें जो होगा तो एक एक आप काउंट करते जाएंगे, जैसे पिछले वाले में किया आपने, एक में चूंकि आपका स्कूल भी है,
यहाँ पे चलिए एक साड़ी ही बना लेता हूँ। ठीक, एक नंबर में आपका स्कूल है, एक हो जाएगा अस्पताल भी है, रेलवे स्टेशन भी है, डाकघर भी है। ठीक, तो इसमें चारों में एक हो गया। दो में आइए, दो में हमारे पास क्या है, दो में केवल आपका, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसी पे ही पूरा फोकस है इस प्रश्न का। दो नंबर में देखिए, केवल आपके पास वृत्त है और प्लस है, वृत्त से क्या हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, और प्लस से अस्पताल। ठीक, और बाकी जीरो। तीन नंबर पे क्या है, तीन में हमारे पास है स्कूल प्लस यानी कि अस्पताल, ये आपका डाकघर का है, और आपका जीरो हो गया। चार में देखिए, चार में हमारे पास जो अवेलेबल है वो आपका प्लस और स्कूल है यानी कि हॉस्पिटल है, और आपका जीरो हो गया। पाँच नंबर पे देखिए, पाँच में आपका ये है डाकघर, स्कूल और अस्पताल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डाकघर में एक हो जाएगा, स्कूल में आपका एक हो जाएगा, अस्पताल में एक, और ये जीरो। इसके बाद आता है छः नंबर, छः में आपका है स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और डाकघर भी है। सात में देखिए, सात में आपका केवल केवल है रेलवे स्टेशन, यानी और सब क्या है, जीरो हैं। आठ में आइए, आठ नंबर में जो हमारे पास है वो आपका रेलवे स्टेशन है और हॉस्पिटल है, स्कूल है, डाकघर इसमें नहीं है। तो देखिए सबसे पहली रो में क्या है आपका, वन 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 है यानी सब में वन है, और आपका किस में पूरा है, छः नंबर में पूरा है। तो ऑप्शन आइए हम लोग देखते चलते हैं किस में पूरा है। तो एक नंबर हमने देखा था कि उसमें सभी अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी। छः नंबर लीजिए, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, ये नहीं दिया है, तो ये आपका एक एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, दो में केवल दो है, तो दो में केवल दो दिया गया है, तो ये तो आपका एक बार हट ही गया है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, जो आपको बताया गया, जब आप इसको मैच कराएंगे इससे सारी चीज़ें इसमें आपका मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपको बताया गया सेम आप ऐसे ही प्रोसेस अपनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न जो दिया गया है कि किसी कौन सा पद किसी बंटन के प्रसरण को दर्शाता है, तो ये आपका प्रसरण का फार्मूला ही इसमें दे रखा है कि प्रसरण का कौन सा फार्मूला होगा। ठीक, तो प्रसरण का यहाँ पे जो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान एन, आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक, ये हमने कराया भी आप लोगों को, तो उसमें आप देखिएगा प्रसरण या विसरण और विसरण या प्रसरण गुणांक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दे रखा है कि मान लें कि किसी देश में चार परिवार रहते हैं, इन परिवारों की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो 5000 है, यदि तीनों परिवारों की आय क्रमशः 3000, 4000 और 7000 है, जो चौथे परिवार की आय कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए चार परिवार हैं, औसत जो आय है कितना है, 5000 है, परिवारों की जो अलग अलग आय है 3000, 4000 और 7000 है, तो चौथे की पूछ रहा है, तो औसत कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आपको दिया ही है 3000, 4000, 7000 और एक का नहीं दिया, मान लीजिए वो एक्स है, डिवाइड बाई 4 बराबर कितने, 5000 के। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20000, और ये आपका 7 4 11 11 और 3 14। ठीक, ये आपका 14000 हो जाएगा, तो यहीं से आप ये करिए ना, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका 20000 हो जाएगा।
ठीक, 20,000 बराबर एक्स प्लस, इसको आपस में जोड़ दीजिए, ये 14,000 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 20,000 माइनस 14,000 बराबर ये आ जाएगा 6,000। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। जब आपको औसत दे तो जैसे औसत निकाला जाता वही तो हमने किया है, चारों का जोड़ के डिवाइड किया जाता है, जितनी बार जोड़ा गया है यानी चार बार हैं तो चार से आप भाग दे दीजिए। इसी भाग को हम इधर गुणा कर दिए चूँकि हमारे पास औसत पता है, और जो नहीं पता उसको हम एक्स मान लिए, तो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे आते हैं, अभी भी देखिए वही चीज़ें हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इसमें भी जैसे अभी आपने मैच कराया है सेम वही चीज़ इसमें भी मैच करानी है। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं क्या होता है। जैसे उसमें हमने एक तरफ लिखा था, इसमें भी एक तरफ फटाफट लिखते चलते हैं, जिससे मिलेगा उसमें एक हो जाएगा। ए का किससे किससे है, ए का यहाँ पे आपका बी से मिल रहा है और सी से मिल रहा है, तो बी सी के लिए इसका 1 हो जाएगा। बी के लिए देखते हैं, बी आपका ई से है और ए से है, तो ए और ई हो गया, इनके लिए यह 1 हो गया। सी का देखते हैं, सी आपका यहाँ पे डी हो गया, ई हो गया और ए हो गया, ए डी और ई इनके लिए 1 हो गया सी का। ठीक, सी के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सी के बाद आपका डी, डी जो है किनसे किनसे है, ई से है सी से है, ई और सी। उसके बाद ई पे आ जाते हैं, ई आपका बी से है, सी से है और डी से है। ई आपका किससे किससे है, यहाँ पे चूँकि अभी देखना होगा ऑप्शन इसलिए इसको हटा दिया जाए। ई जो है किससे किससे है, एफ से भी है, बी से है, सी से है, डी से है, एफ से है, और एफ आपका केवल केवल ई से है। ऑप्शन देखिए फटाफट, तो इसमें देखिए पहला मिलाते हैं बी सी, ए के लिए बी सी 0 है, यहाँ पे देखिए बी सी 1 है, सॉरी यहाँ पे आपका 1 हो गया और सब 0। बी के लिए यहाँ पे ए ई, तो बी में आपका ए ई 1 हो गया, सी में आपका ए डी ई, ए डी ई, ई में आपका यहाँ पे डी में आइए, डी में सी और ई, सी हो गया और ई हो गया 1 1, और ई में आपका बी सी डी एफ, बी सी डी एफ 1 हो गया, एफ में आपका केवल ई है। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन एक आपका राइट हो जाता है। समझ में आई बात, आपको ऐसे ही करना है, या तो आप डायरेक्ट देख के मिला लीजिए, कुछ लिखिए ही नहीं, लेकिन लिखेंगे तो आपको आसानी होगी और जल्दी से आपका ये आंसर आ जाएगा, कम समय भी लगेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में भी इसी तरह से है। चलिए ये जो प्रश्न था इसको आयोग ने जो है यूजीसी ने हटा दिया था इस प्रश्न को, फिलहाल इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक, जो फॉलो करना है सेम वही रूल अपनाइए। ए का किसके किससे संबंध है, ए का बी से है, सी से है, तो क्या हो जाएगा 1। बी का देखिए, बी का ए और सी से है, तो इनके लिए 1। सी का देखिए, बी से है, ई से है, डी से और ए से है, ए बी ई डी। और उसके बाद आपका डी जो है, डी का सी से है, ई का जो है सी से है, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको, ए में आपका बी और सी केवल, यहाँ पे आपका ये 2 नंबर लिख दिया ये गलत हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिया ये भी गलत हो गया, ये 3 4 2 4 लिखा ये भी गलत हो गया, क्योंकि जहाँ पे ये मैच कर रहा है उसके लिए 1, नहीं मैच कर रहा तो 0, यही होता है 1 और 0। इसमें देखिए ए के लिए आपका बी सी ही है, तो इसमें आपका बी सी डी सब कर दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका इसीलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया था, तो यही आपका आंसर होगा कि जहाँ पे आपका ये मिल रहा है इसको आप अपने से भी एक श्रेणी बना सकते हैं जो इसका उत्तर है, इस तरह से करके यहाँ पर आप अलग से
ए बी सी डी और ई, इधर आपका ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, ठीक। उसके बाद बी सी के लिए वन है, यहाँ पे वन हो जाएगा, ये आपका जीरो। बी के लिए आपका ए सी है, वन हो जाएगा, ये जीरो, ये वन, ये जीरो। सेम ऐसे ही आपको बनाना है तो ये आपका बन जाएगा। आगे देखिए, इसमें दिया कि स्थलाकृतिक मानचित्र में 1:50,000 यानी आर एफ ये दिया है पैमाने के साथ समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है, ठीक। किस समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये आपका 501 ये जो एस ओ आई है, सॉरी एस ओ आई के यानी सर्वे ऑफ इंडिया के स्थलाकृतिक मानचित्र में 1:50,000 पैमाने के साथ यह जो है जो ये दर्शाएगा, तो इसमें जो सर्वे ऑफ इंडिया का स्थलाकृतिक मानचित्र होता है ये जो है 1:50,000 पैमाने के साथ बनाया जाता है, तो यह समोच्च रेखीय इसमें जो अंतराल होता है वह होता है 20 मीटर का, ठीक। तो ये आपका कार्टोग्राफी जब पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको बताया गया होगा, तो समोच्च रेखाएं यदि नहीं पढ़ाया गया तो उसको करा दिया जाएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक। तो समोच्च रेखा में उसमें डायरेक्ट ही आपका मेंशन होता है कि कौन सा आर एफ कितना समोच्च रेखीय अंतराल रखना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग 2000 ये आपका 14 का प्रश्न है, 2012 और 13 में इस तरह के कोई प्रश्न आपके नहीं पूछे गए थे जो मैथमेटिकल टाइप हों, तो इसलिए हम लोग इतना ही आज करते हैं। इसके बाद हम लोग इसी का जो टॉपिक कोई एक थ्योरी लेते हैं, उस थ्योरी पे बेस्ड जितने प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।